अगर आप अच्छी मोबाइल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम तीन ऐसी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे जो अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी मोबाइल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। मोबाइल फ़ोन कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि 90% ऑफ द टाइम आपके पास मौजूद होता है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा सीन नज़र आता है और आप सोचते हैं काश मेरा मेन कैमरा मेरे पास होता तो मैं एक बहुत अच्छी तस्वीर कैप्चर करता। अगर आपको मोबाइल फ़ोन कैमरे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आता है तो चांसेस हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे और आप अपने फ़ोन से एक बहुत अच्छी और डिसेंट लेवल की पिक्चर ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन कैमरा के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं लाइक ये साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है और ये हर वक्त आपके साथ होता है, इसी के साथ इसी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस वीडियो में हम बारी बारी तीन बेसिक लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन नंबर वन जो कि है अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल फ़ोन कैमरा सेंसर, और इसको दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लाइट। मोबाइल फ़ोन कैमरा का एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसका साइज़ कॉम्पैक्ट होने की वजह से आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है सेंसर साइज़ का। यूजली जितना भी आपका एक्सपेंसिव या फ्लैगशिप मोबाइल हो आपका जो सेंसर होता है मोबाइल फ़ोन कैमरे का वो बहुत ही छोटा होता है। इट डजेंट मैटर कि उसके अंदर कितने फीचर्स हैं, कितना कैमराज हैं, कितना मेगापिक्सल का सेंसर है, सेंसर साइज स्टिल जो है वो छोटा होता है। नाउ छोटे सेंसर साइज़ की वजह से दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। नंबर वन, आपका फ़ोन लो लाइट में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता, उसके अंदर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है। नंबर टू, नेचर ऑफ लाइट। यूजली छोटे सेंसर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट को अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं, इंडोर लाइट्स को या आर्टिफिशियल लाइट्स को अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं करते। तो जो पहली बेसिक लिमिटेशन है मोबाइल फ़ोन कैमराज की वो है छोटा सेंसर साइज, जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ डे लाइट के अंदर और दूसरा डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट के अंदर अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हैं। ना अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कैमरे को दूसरे तरीके से यूज़ ही ना करें, आप इसको इंडोर यूज़ ही ना करें या आप इसको लो लाइट में यूज़ ना करें, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ये एडवांटेज है इस मोबाइल का। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स खींचनी है तो कोशिश करें कि आप उसको डे लाइट के अंदर शूट करें और आप डिसेंट लाइट के अंदर शूट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लैंडस्केप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग के अंदर लें रादर देन कि आप लाइट कम होने के बाद लें। इसी तरह अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो कोशिश करें कि नॉर्मल आर्टिफिशियल लाइट्स के बजाय आप अपने सब्जेक्ट को विंडो के पास लेके जाएं और डे लाइट के अंदर उसकी पोर्ट्रेट लें। अगर आप इस ऑप्शन को अपने जहन में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका मोबाइल फ़ोन सेंसर जो है वो लाइट को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा, आपके इमेजेस नॉइस फ्री होंगे और ओवरऑल जो टोनिंग होगी आपकी इमेज की वो बहुत अच्छी होगी। जो दूसरी लिमिटेशन है मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी की वो है अंडरस्टैंडिंग द कैमरा लेंसेज। आमतौर पर आजकल के जितने भी मिड रेंज के मोबाइल आ रहे हैं उनमें मल्टीपल कैमराज प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक मेन कैमरा दिया जाता है, उसके साथ अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो है और मैक्रो है। मेन चीज़ ये है कि आपका जो मेन कैमरा होता है नॉर्मली और आपका मेन लेंस ये दोनों फुली कैलिब्रेटेड होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कैमराज और लेंसेज होते हैं वो आमतौर पर सिर्फ मार्केटिंग के में होते हैं, या तो वो बहुत ही लो क्वालिटी के लेंसेज यूज़ करते हैं या फिर वो टोटल सॉफ्टवेयर फीचर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोर्ट्रेट लेंस यूज़ करते हैं उसमें जो ब्लर ऐड करता है वो कैमरे का फीचर नहीं होता, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का फीचर है। इसी तरह जो आपका आपका जो अल्ट्रा वाइड लेंस होते हैं या मैक्रो होते हैं नॉर्मली वो इफेक्ट अल्ट्रा वाइड के और वो मैक्रो के वो डिजिटली अचीव किए जाते हैं रादर देन के वो एक्चुअल मैक्रो या अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज यूज़ करें। तो ये आमतौर पर ये प्रॉब्लम होता है कि इस तरह के फीचर्स ये मार्केटिंग गिमिक होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की तस्वीर खींचना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप अपने मेन कैमरा को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि मेन कैमरा जो होता है उसका लेंस और उसका सेंसर आपस में फुली कैलिब्रेटेड होते हैं और वो आपको सबसे अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ अब प्रॉब्लम ये होता है कि मेन जो लेंस होता है वो सिंपली वाइड एंगल लेंस होता है, वो अल्ट्रा वाइड नहीं होता, वो टेलीफोटो नहीं होता, इसकी वजह से वो बहुत यूनिक किस्म की पिक्चर्स आपको नहीं दे सकता, वो यूजली एक बड़ा नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू देता है। तो यहाँ पे काम आती है आपकी क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, इन टर्म्स ऑफ आपका एंगल, आपका सब्जेक्ट, आपके कलर्स। चूँकि आप एक बहुत ही रेगुलर लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी पिक्चर्स को स्पाइस अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड कंपोजिशन, गुड लाइटिंग, गुड सब्जेक्ट एंड गुड कलर्स। तो ये सेकंड लिमिटेशन है मोबाइल फ़ोन कैमरा की कि आपको सिर्फ अपना मेन कैमरा यूज़ करना है
और आपने अपनी तस्वीर को स्पाइस अप करना है दूसरी सप्लीमेंट्री चीज़ों से। जो थर्ड लिमिटेशन है मोबाइल फ़ोन कैमरा की, वो है कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन कैमराज जो हैं वो सिर्फ जेपैक खींचते हैं, रॉ की सपोर्ट उनके अंदर मौजूद नहीं होती। कुछ फ्लैगशिप मोबाइल ऐसे हैं जिनके अंदर रॉ की सपोर्ट मौजूद है, बट स्टिल वो बड़ी बेसिक लेवल की रॉ होती है। 95% फ़ोन्स अभी भी सिर्फ जेपैक खींच के देते हैं। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप अपनी तस्वीर का एक्सपोजर जो है वो एटलीस्ट नेल डाउन करें इन कैमरा। अगर आपको पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है तो अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग को आप कम से कम करें, कोशिश करें कि तस्वीर जो है वो इन कैमरा अच्छी खींचें, एटलीस्ट उसका एक्सपोजर अच्छा रखें इन कैमरा। उसके बाद आपको जितनी भी क्रिएटिवली एडिटिंग करनी है वो सब के सब आप लाइटरूम में या किसी भी सॉफ्टवेयर में करें, बट वो आप सारा का सारा जो है वो कलर्स के ऊपर खेलें, कलर ग्रेडिंग करें। कोशिश करें कि एक्सपोजर जो है वो आपका इन कैमरा ही ठीक हो, और पोस्ट प्रोसेसिंग में आप सिर्फ कलर्स को वेरी करके एक अच्छा मूड अचीव कर सकें। तो ये बेसिकली तीन लिमिटेशंस हैं मोबाइल फ़ोन कैमरास की। आमतौर पर वीडियोज़ में टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात होती है, मैंने इसमें तीन लिमिटेशंस के ऊपर बात की है। ये तीन लिमिटेशन अगर आपको समझ में आ जाए और आप इनको जहन में रख के फोटोग्राफी करें तो डेफिनेटली आपकी मोबाइल फ़ोन फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी।